हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलो, आज है लेक्चर नंबर फोर। कौन सा है? लेक्चर नंबर फोर। लेक्चर नंबर फोर में पढ़ने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी चार्ज की पहले भी पढ़ाई थी, दूसरे में ही पढ़ाई थी, थर्ड में ही पढ़ाई थी, अभी चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई थी, है ना? और मैंने बोला भी था ना आपसे, मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में चार्ज डेंसिटी की प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ कि चार्ज डेंसिटी क्या है। और मैंने ये भी बताया था कि मान लो किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है। तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग बताऊंगा आज, है ना, इंडक्शन और कंडक्शन की वजह से। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्लास स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। क्या करेंगे? चलो, तो टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी मैंने फिजिकली क्लास में पढ़ाई दिया आपको, अब पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी is directly proportional to 1 upon radius of curvature. मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम, और कम है तो ज्यादा है। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी तो ठीक है, सर समझ आ गया, लेकिन ये होता क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये तो बताओ। हमको तो ये नहीं पता, मालूम मुझे, तुम्हें नहीं पता इसलिए मैं बताऊं। देखो, तुमने रोड देखी, रोड एक हाईवे वाला रोड देखा होगा, एक गली मोहल्ले वाला रोड देखा होगा। तो ज्यादा दूर क्यों जाते हो? अपने ग्लोरियस आते हैं ना, तो रास्ते में जो रोड दिखता है ना, एकदम मैं क्यों दिखता है ना, ऐसे जाते हो क्यों एकदम, है ना, सांप सीढ़ी की तरह। तो वहाँ का जो कर्वेचर है ना वो बहुत क्या है, कम है। और हाईवे का कर्वेचर कैसे होता है? ऐसे चलते ना, टर्निंग कितनी बड़ी होती है, पता लगता है 1 किलोमीटर तक टर्न ही ले रहे हैं हम लोग, है ना, 500 मीटर का टर्न होता है ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो अगर इसको लेकर के एक सर्कल खींचो ऐसे, तो बड़ा सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, है ना? कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर जानते हो ना, कर्वेचर मतलब सर्कल का एक पार्ट। ये सर्कल है, अब सर्कल का ये पार्ट जो है खाली की वाला, इसको क्या बनेगा? कर्वेचर रेडियस। कर्वेचर रेडियस नहीं, कर्वेचर ऑफ द सर्कल। हां, नहीं तो बोलते तो बस इसी को कर्वेचर बोलते हैं। अब मान लो गली मोहल्ले से बढ़ गए और ये कैसे बन रहा? तो देख, यहाँ का देख, यहाँ का तो सर्किल बना इसको, देखो टिक 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 ऐसे बनेगा, और यहाँ का बनाएगा टिक 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 बड़ा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? जैसे देखिए ना, मैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ज़्यादा छः है, इसका कम छः, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा छः, यहाँ पर कम छः, नहीं छः, हाँ। अब आगे देखिए, इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था? ऐसे इसको ए बोला, इसको बी बोला, और इसको सी बोला, और इसको डी बोला। समझ गए कितने पॉइंट? ये एग्जांपल है, ए बी सी डी क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है सिग्मा ए, है ना, ऐसे चार दिशा हुआ है। तो ये पूछा था सिग्मा ए ज्यादा है, सिग्मा बी ज्यादा है, सिग्मा सी ज्यादा है, सिग्मा डी ज्यादा है। सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा सी, ग्रेटर देन सिग्मा बी, ग्रेटर देन सिग्मा डी। तीसरा था सिग्मा ए सिग्मा बी सिग्मा सी सिग्मा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोलो क्वेश्चन से तो लॉजिक बताओ तुम, यह सिंपल सा कि भाई किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, कौन से पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है? ए का, बी का, सी का, डी का, किसका कम है? तो सोचो, ए का सबसे कम है,
फिर उसके बाद बी का कम है क्या, सी का कम है, फिर डी, फिर तीन बी, फिर पांच, एक का उसके बाद सी, फिर डी, डी के बी, डी सोचो बी ऐसे बना जाएगा, डी का होगा कौन सा होगा, बी डी बड़ा है, लेट आ रहा है ना, तो है ना बी छोटा पी डी, बी छोटा क्या करना सर, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और ध्यान ये स्टेप पांच वाला ना जाएंगे हम,
सरफेस तो दोनों की क्या थी? क्योंकि दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल आइडेंटिकल स्पेयर है ना साइज में, एक सॉलिड एक बॉल, जो हम चार्ज देंगे वो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस। तो फिर सोचना और देखना ही क्या, कई बार समझ कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या होगा? जे भी ट्रिपल ई में आया है, 3 या 4 में। हाँ आया ना आया तब कर दू। चल अब आते हैं मेथड ऑफ चार्ज। क्या है मेथड ऑफ चार्ज? कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग? मतलब चार्जिंग चार्ज कैसे करते हैं? चार्ज देखते हैं। तो ये होता है कंडक्शन है ना, ये होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का हमने पिछली बार समझ दिया था है ना, कि दोनों बॉडी को फ्रिक्शन किया तो कैसे चार्ज आया, तुम्हें बताया था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था? कंडक्शन। तीसरा था हमारा इंडक्शन, ठीक है। वो तुम जो बोल रहे हीट में बोलते हो वो यहाँ नहीं है, चार्ज को कर रहे थे डेगा भी लड़ाई किसको कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ समझ आई बात। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज को कर रहे हैं ना, तो चार्ज का मतलब है चार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, कोई हीट थोड़ी दे रहे उसको, चले हीट दे रहे हो क्या? नहीं ना, क्या दे रहे हो? बॉडी को चार्ज दे रहे हो। चार्ज मतलब दो तीन तरीके से होता है, या तो उन्हें दोनों गर्म कर दो तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, या दोनों या एक बॉडी को टच करा दो तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी बन जाएगा, उसे कहते हैं कंडक्शन। एक बॉडी अनचार्ज एक बॉडी चार्ज इसके बिल्कुल पास में रखो नियर तो भी चार्ज हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? इंडक्शन। तो यह कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन का मतलब बाय टचिंग। कंडक्शन मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी को टच करा रहे हो। देखो ये बॉडी है कैसी है? अनचार्ज। अनचार्ज बॉडी है एप्पल जैसे। अब इसको हम क्या करेंगे? इसके बाद जो ये बॉडी है चार्ज, ये बॉडी एकदम बढ़िया गजब पका हुआ, इसको मैं इसके पास ले जाकर टच करा दिया, टच करा दिया, समझ आई बात? अभी टच कराने से पहले ये क्या थी? अनचार्ज। और ये फुल चार्ज। जैसे मैंने इसको टच कराया उसमें जो चार्ज था वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब तुम कहोगे सर कैसे? तो ऐसे कि चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करेंगे ना सारे के सारे, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव है सब एक दूसरे को काम आएंगे। लेकिन मान लो मेरे पास कमरा ही एक है, भाई लेबर है मालिक ने एक कमरा दे रखा तो सब एक ही में सोएंगे, चाहे वो 10 हो चाहे वो 5 हो चाहे वो 2 हो है ना। लेकिन सब क्या चाहते हैं? 10-16 क्या चाहते हैं? भाई मेरा अकेले का रूम हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? चौका मार के भागेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे जे एक ही रूम मिला था सब भरे, सब किसी दूसरे की सर्विस कर रहे थे, सब धक्का मार गए एक दूसरे को, लेकिन मजबूरी है कि जाएंगे चूंकि कमरा ही थी। लेकिन जैसे ही वो उसे टच कराया तो भाई से सर्विस खाली हो गई, कोई दिक्कत। दूसरा है इंडक्शन। कौन सा है इंडक्शन? मतलब नॉन टचिंग बाय डिस्टेंस। बाय डिस्टेंस
डिस्टेंस से करा था, डिस्टेंस के थ्रू दूर से। तो मैंने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी ली और इसके पास एक चार्ज बॉडी रख दी। जैसे ही इस बॉडी के पास में एक अनचार्ज बॉडी रखी, मतलब अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इसके अंदर ऐसा नहीं है चार्ज जीरो है, चार्ज टोटल जीरो है लेकिन चार्ज जीरो। इस बॉडी के अंदर जो अनचार्ज है क्या है, अनचार्ज कंडक्टर है। कौन है, अनचार्ज कंडक्टर है ये, अनचार्ज कंडक्टर जो दिख रहा है ना, इसके अंदर चार्ज नहीं है। ये कौन सा टोटल, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल चार्ज नहीं है तो इसके अंदर जीरो चार्ज है ना, भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है कि नहीं है। अगर मान लो मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मान लो इसे इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ, तो अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है इसके पास में, जस्ट इसके पास में, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, और प्रेस चार्ज को सर दूर भगा देगा, सरफेस से बाहर नहीं भेजेगा लेकिन दूर भगा देगा, एक साइड रहेगा अलग अलग। कितने, जितना ये चार्ज है ना उतने ही चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और उतने चार्ज के प्रोटॉन को कर देगा। लेकिन सर ये चार्ज थोड़ी हुई, तो चार्ज करने के लिए एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ मैंने अर्थिंग एक और लगा, अर्थिंग क्या करते, अर्थिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो अर्थिंग का मतलब इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। किसका, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो अर्थ से जो भी चीज छुआ दोगे ना, टच करा दोगे ना, वो उसको भी क्या कर देगी, जीरो बना देगी, क्या कर देगी, जीरो बना देगी, है ना। अर्थिंग करते हैं ना, अर्थिंग क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज सारी करंट होती कहां चली जाती है, जमीन, जमीन में, क्योंकि इसने भी क्या कर दी थी, वो न्यूट्रल क्या कर देती है, न्यूट्रल। समझ आ रही है, हां। तो इसका मतलब धरती माता क्या करती है, धरती माता से कनेक्ट कराओगे तो वो अपने जैसा बना देती है, मैं जीरो तो तू भी जीरो, हाँ ना। अब यहाँ तो जीरो नहीं है ना, और यहाँ तो जीरो नहीं है, तो जहाँ जीरो नहीं है उसको जीरो बनाएगी, जैसे जीरो बनाएगी तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को भेजेगी। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि चार्ज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। चलो प्रोटॉन किससे बंद है, न्यूक्लियर फोर्स से, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स से बंद है, है ना। और न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको निकालना आसान नहीं है, इसलिए वो तो जाएगा नहीं, जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जीरो पर आएगा, कैंसिल कर दिया। अब तो क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ये इससे क्या है, पकड़े हुए, बंधे हुए, तो ये जाने देगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ऐसे रहेगा। इसलिए ये अगर दोनों को अलग अलग कर दो, ये प्लस प्लस अलग कर दो, अलग कर दो, ठीक है, दीवार बना दो इसके बीच में, तो सारे चार्ज का इसके अंदर नेगेटिव 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 ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सारा चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर, बताया था ना, आई बात समझ, पता है चार्ज यहाँ क्यों आया, क्यों, इंडक्शन की वजह से, बताता हूँ, ये समझ आ गया, अब लॉजिक समझना। अभी तो अभी थोड़ी देर पहले उसको चार्ज किया था, किया था, ये क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज है अंदर किसको दिया था, अनचार्ज बॉडी, ये पहले स्फीयर जो था वो कैसा था, अनचार्ज था, इस अनचार्ज को मैंने क्या दिया, तो ये चार्ज बॉडी जो दिया है वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट करके क्या कर लेगा, इनसाइड सरफेस ऑफ द बॉडी, और प्लस वाले को क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मार के क्या दूर से दूर भेजेगा, दूर कहाँ भेज देगा, है ना। तो कितने चार्ज को भेजेगा, जितना वो खुद है, और कितने को अंदर करेगा, जितना वो खुद है, तो जितना चार्ज दिया था उतने का इसने नेगेटिव अंदर कर लिया और पॉजिटिव को बाहर धक्का मार के भेज दिया। तो देख अनसाइड कितना, अनसाइड ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों मिलाकर कितने हो गए, आई बात समझ, और बाहर कितना पहुंच गया, समझ आई बात नहीं आई, है ना। इसीलिए अंदर चार्ज जीरो हो जाता है और बाहर सारा पहुंच जाता है ड्यू टू द इंडक्शन, ऐसे नहीं, बाहर पहुंच गया था, ले बेटा दिया, अभी पहुंच गया बाहर,
उड़ता हुआ नहीं, क्यों पहुंचा? और कंडक्शन की वजह से भी होता है, अगर ये सॉलिड होता क्या होता? सॉलिड, सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड होता तो इसको चार्ज देता, क्या देता? चार्ज देता, नहीं देता बेटा? अगर तुम इसको चार्ज क्यों दोगे तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन बन नहीं भरे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता? खींचता और पॉजिटिव को क्या मारता? धक्का मारता। तो इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद को क्या कर लेता? न्यूट्रॉन। और धक्का मार के बाहर कितना चार्ज फेंक देता? जितना मुझे है तो सारा का सारा चार्ज फेंक देता, इसलिए सॉलिड हो जाए। हेलो दोनों क्या है? आई बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद देखिए, अब इसमें एक केस और है, तो केस वन था केस टू। मान ले ये है प्लस 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 प्लस। मैंने दो बॉडी ले ली, कितनी? दो। अब इसको इसके पास रखा, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर लेगा? और पॉजिटिव पॉजिटिव को मार दो, कोई ग्राउंड ग्राउंड लगाने की जरूरत नहीं, दोनों पर रख दो। हाँ ना, तो इसके अंदर क्या जाएगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसके अंदर प्लस 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 नहीं आएगा। अब ये बाहर चला जाएगा सारा चार्ज, अभी अंदर दिख रहा है ना, तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? तो दोनों बड़ी क्या हुई? चार्ज हुई। पहले क्या थी? दोनों अनचार्ज थे, ठीक है? नहीं पहले दोनों कैसी थी? अनचार्ज। फिर बाद में कैसी हो गई? चार्ज। किसके थ्रू? इंडक्शन। कंडक्शन इलेक्शन दोनों समझ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा, है ना? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ाऊंगा और वो क्या पढ़ाऊंगा, मेथड ऑफ चार्जिंग में चलेंगे थोड़ी देर, 5-10 मिनट का टॉपिक और इसमें बाकी है, क्वेश्चन कराने का कि भाई ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दूंगा इससे, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे करते हैं वो बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा दूसरा, इसके अंदर मेथड ऑफ चार्जिंग हमको समझ आ गई है, एक इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा हुआ आपने, गोल्ड गोल्ड लीफ, गोल्ड फॉइल, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आता है, तुमने नहीं पढ़ा होगा, 12th पहली बार आएगा ना, है ना बेटा? 12th में पहली बार आते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ जाते ना, वो दूसरी बार पढ़ते हैं, बेसिकली क्या है ना, क्लास 8th में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, उतना तो है नहीं, उतना टैलेंटेड होते तो हम तो पता नहीं कहाँ होते, है ना? कोई बात नहीं, अब हो जाएंगे टैलेंटेड, अब नहीं तो क्या होगा, अब होंगे, पढ़ेंगे तो, है ना? जब जागो तभी कोई बात नहीं, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या पढ़ेंगे? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कन्फर्मेशन, यानी कन्फर्मली वो चार्ज है या नहीं है ये पता करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन या दोनों, जी एम बनाऊंगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन कराऊंगा वो बताऊंगा, फिर कूलाम्स लॉ और जगह मतलब टाइम लेगा तो कूलाम्स लॉ करेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।